लेते हैं, अब हम देख लेते हैं नेटवर्क क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका जो भी डाउट होगा नेटवर्क से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो आपका दूर हो जाएगा, बस आप वीडियो को देखते जाइए। अब हम देख लेते हैं नेटवर्क क्या होता है। हमारे यहाँ पे तीन कंप्यूटर है जिसका मैंने नाम दिया है C1, C2, C3 और ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है। और ये यहाँ पे है प्रिंटर, ये है प्रिंटर सर्वर, ये प्रिंटर का सर्वर है। जो भी हम यहाँ से इनपुट देंगे ये उसको देखेगा, सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे जाने के बाद में जो भी हमने इनपुट दिया वो उसको यहाँ पे सर्च करेगा, यहाँ पे सर्च करने के बाद में वो क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू शेयरिंग रिसोर्स, जैसे कि मैंने बताया दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है यहाँ पे, टू शेयरिंग रिसोर्स। शेयरिंग रिसोर्स क्या है यहाँ पे, प्रिंटर, ये हमारा प्रिंटर है। हम यहाँ पे कोई भी इनपुट देंगे, देखिए ये हमारा नेटवर्क हो गया, ये तीन कंप्यूटर है, हम यहाँ पे चार कंप्यूटर भी कर सकते हैं, तो ये चार कंप्यूटर का हमारा नेटवर्क हो गया। ये हमारा क्या है, प्रिंटर सर्वर। सर्वर उसको बोलते हैं जहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो प्रोसेस करता है कि अब हमको करना क्या है। तो हमने यहाँ पे कोई भी इनपुट दी, ये यहाँ पे जाएगा प्रिंटर सर्वर के पास, और फिर जो भी हमने यहाँ पे इनपुट दी वो उसको सर्वर क्या करेगा, उसको समझेगा, फिर वहाँ पे उसको ये प्रिंट कर देगा। प्रिंटर क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो हमारा नेटवर्क यही होता है। अगर हम इससे इनपुट ना दे, इससे दे सकते हैं, इससे ना दे तो इससे भी दे सकते हैं, यानी कि हम किसी से भी इनपुट दे सकते हैं, रिजल्ट हमको सेम ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू जो भी हम चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इसको यहाँ पे कनेक्ट ना करते इस वाले को जो हमारे ये C1 है, और हम इसे इनपुट देते तो ये इसके अकॉर्डिंगली कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करता, क्योंकि ये तो अलग हो जाता, ये नेटवर्क से अलग हो जाता। लेकिन जब हम इसको नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो ये भी यूज़फुल होता है, अदरवाइज़ ये अनयूज़फुल रहता है। अब हम इसके गोल्स देख लेते हैं, गोल्स ऑफ नेटवर्क। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। नेटवर्क के गोल्स होते हैं रिसोर्स शेयरिंग, हाई रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, नंबर फोर्थ कम्युनिकेशन मीडियम। अब हम इनको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है। ये आपके इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं कि हम जो नेटवर्क यूज़ करते हैं क्यों यूज़ करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है, एक तरीके से हमारा गोल्स क्या होता है, तो ये आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, आप इनको याद रखिए। अब हम देख लेते हैं नंबर वन, रिसोर्स शेयरिंग। देखिए जैसे कि मैंने आपको पीछे बिल्कुल समझाया, बिल्कुल एग्जैक्ट ये ऐसी है, C1, C2, C3 और प्रिंटर सर्वर है। हमने यहाँ पे तीनों को साथ में क्या किया, कनेक्ट कर दिया। और ये प्रिंटर क्या है, यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग, क्योंकि ये प्रिंटर तीनों कंप्यूटर के साथ क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन बाय शेयरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारी कॉस्ट होती है उसका रिडक्शन हो जाता है, यानी कि कॉस्ट कम लगती है बाय शेयरिंग हार्डवेयर। देखिए अब हमारा ये प्रिंटर है, ये तीनों में काम कर गया यहाँ पे। अगर हम इसका भी प्रिंटर अलग लगाए, इसका भी अलग, इसका भी अलग, अगर ये नेटवर्क में नहीं है, ये यहाँ पे जॉइंट नहीं है, C1 C2 से जॉइंट नहीं है और C2 C3 से जॉइंट नहीं है, तो हमको अलग अलग प्रिंटर की नीड होगी कुछ भी परफॉर्मेंस कराने के लिए। लेकिन जब हम इसको नेटवर्क में कनेक्ट कर देंगे तो हमारा एक ही प्रिंटर से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कॉस्ट को हम बचा रहे हैं, जो हमारा खर्चा आएगा इसमें वो बहुत कम आएगा। अगर यहाँ पे फिर ज़्यादा प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम इसको नेटवर्क में जॉइंट नहीं करते, लेकिन जब हम इसको नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा एक ही प्रिंटर काम कर जाता है, जिस वजह से हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी बाय हैविंग मल्टीपल सोर्स ऑफ सप्लाई, वी कैन एक्सेस डैमेज डेटा विद द हेल्प ऑफ डेटा कॉपी प्रोसेस वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। देखिए रिलायबिलिटी का मतलब होता है हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, हम उस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा एक सिस्टम ख़राब हो जाता है, हमारा कोई भी यहाँ पर नेटवर्क है और यहाँ पर 1, 2, 3 कंप्यूटर यहाँ पे आपस में कनेक्टेड है, अगर हमारा कोई भी एक कंप्यूटर वर्क करना बंद कर देता है तो हमारा दूसरा कंप्यूटर वर्क करता है,
तो हमारा प्रोसेस चलता रहता है। और अगर हमारे एक कंप्यूटर का डेटा ख़राब हो जाता है या डैमेज हो जाता है, यानी कि एक तरीके से डैमेज ही हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले से ही यहाँ पे इसको कॉपी करे रखते हैं। अगर ये डैमेज हो गया तो हम इसका यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारा ये भी ख़राब हो गया या डैमेज हो गया इसका डेटा भी, तो हम तीसरे वाले से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा ये फ़ायदा होता है, ये हाई रिलायबल होता है, यानी कि हम इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा तो है नहीं, हमारे अगर हमने 10 कंप्यूटर लगाए यहाँ पे, 10 के 10 में से ही डैमेज हो जाएगा भाई, एक डैमेज हो जाएगा, दो या तीन या चार हद से हद। लेकिन कुछ तो हमारे कंप्यूटर ऐसे बचेंगे जिसमें से हम अपने डेटा को सेफली एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका यही फ़ायदा होता है। अब देख लेते हैं हम स्केल एबिलिटी टू इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस एज द वर्कलोड इंक्रीज बाय एडिंग मोर सिस्टम। देखिए, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम जो हमारे सिस्टम होता है उनको और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर हम वहीं पर ही और ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि अपने नेटवर्क को बड़ा कर देते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। एंड एडिंग मोर सिस्टम, जब हम उसको ऐड करते हैं ज़्यादा सिस्टम का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर से ही है, जब हम ज़्यादा सिस्टम को ऐड कर देते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कम्युनिकेशन मीडियम। कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड ए पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। जो हमारा कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है वो हमको बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड करता है। हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं किसकी वजह से करते हैं, नेटवर्क की वजह से। तो नेटवर्क का गोल क्या है, जिससे कि हम आपस में कम्युनिकेशन कर सके एक प्लेस से सेकेंड प्लेस, और वो भी बिल्कुल अच्छे से, किसी को पता ना चल सके। तो ये चीज़ हमारे नेटवर्क में देखी जाती है, ये हमको प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छी सुविधा प्रदान करता है कम्युनिकेशन कराने के लिए। सेकंड मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे स्केल एबिलिटी प्रोवाइड करता है नेटवर्क, और ये भी मैंने आपको बता दिया, ये हाई रिलायबिलिटी भी हमको प्रोवाइड करता है नेटवर्क। अगर सपोज़ कीजिए हमारा बस एक ही सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है और यही हमारा डैमेज हो जाए, तो हमारा डेटा सारा का सारा डैमेज हो जाएगा, फिर हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है किसी भी कंपनी में, क्योंकि सारा डेटा हमको कुछ पता नहीं किसका क्या हिसाब था। लेकिन अगर हम वहाँ पे क्या करेंगे, नेटवर्क को क्रिएट करेंगे, तो हम आसानी से दूसरे सिस्टम से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन देख